इस वीडियो में हम बात करेंगे 1985 की फिल्म माई लाइफ एज अ डॉग के बारे में, जो कहानी है इंगमार नाम के एक लड़के की, जो हमेशा अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करता है जिनकी जिंदगी उसकी जिंदगी से ज्यादा बुरी है। इंगमार एक 12 साल का लड़का है जो दिन भर शैतानियां करता है। वो हर वक्त अपने कुत्ते सिकान के साथ रहता है और अपने बड़े भाई एरिक के साथ वो ऐसी हरकतें कर बैठता है जिससे वो मुसीबत में फंस जाता है। उसकी इन हरकतों को संभालना उसकी माँ के लिए मुश्किल साबित हो रहा था, पर इंगमार ये नहीं जानता था कि उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार है। इंगमार एरिक के साथ अपनी माँ की देखभाल करने की कोशिश तो करता है, पर ना तो उसे खाना बनाना आता है और ना उसे दूध पीना आता है। इस वजह से बीमार होने के बावजूद सारा काम उसकी माँ को ही करना पड़ता है। इंगमार जानता था कि किससे कहानियाँ सुनना उसकी माँ को अच्छा लगता है, इसलिए वो किससे सुनाकर उन्हें खुश रखता है। पर अब उसकी माँ के शरीर में इंगमार की बातें सुनने की ताकत खत्म होती जा रही है। इंगमार की इकलौती दोस्त लीला भी दूसरों की तरह उसकी शैतानियों से परेशान होने लगी थी, और एक दिन उसने देखा कि इंगमार की माँ अपने बेटों की वजह से कितनी ज्यादा परेशान हो चुकी है। फिर भी उसकी और इंगमार की दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ा। पर एक दिन लीला के पिता ने उन दोनों को साथ देखा और उनके बारे में गलत सोचने लगे। इंगमार ये सोचकर डर गया कि उसकी माँ उसे बुरी तरह पीटेगी, इसलिए वो शाम तक घर नहीं गया। पर चीजें बद से बदतर होती गई, और जब तक इंगमार घर लौटा तब तक उसकी माँ की हालत और बिगड़ चुकी थी। उसके चाचा सैंडबर्ग ने एरिक को समझाया कि अगर उसकी माँ को शांत माहौल नहीं मिला तो वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी, और इसलिए कुछ दिनों के लिए एरिक और इंगमार दोनों का अपनी माँ से दूर रहना ही ठीक होगा। लीला का कहना था कि इंगमार के पिता को यहाँ होना चाहिए, पर इंगमार ने बताया कि वो दूर किसी देश में केले की खेती कर रहे हैं और अगर वो घर लौट कर आए तो केले नहीं उगेंगे, इसलिए उनका वहाँ रहना जरूरी है। अगले ही दिन दोनों भाइयों को अलग अलग घरों में भेजा जाने लगा, पर इंगमार निराश था क्योंकि वो सिकान को अपने साथ नहीं ले जा सकता था। वो चिल्ला चिल्ला कर जिद करने लगा, पर उसकी जिद पूरी नहीं हुई और सिकान को एक एनिमल होम में भेज दिया गया। एरिक को उसकी दादी के घर भेजा जा रहा था, और अब इंगमार को अकेले अपने मामा गुन्नार के घर जाना पड़ रहा था। उस वक्त अपनी तकलीफों को भुलाने के लिए इंगमार उन लोगों के बारे में सोच रहा था जिनकी जिंदगी बहुत बुरी है। वो लायका नाम की उस कुत्ते के बारे में सोचने लगा जिसे स्पेस में भेजा गया, और स्पेस में ही उसकी मौत हो गई। जल्द ही वो स्मालैंड नाम के एक गाँव में पहुँचा जहाँ वो गुन्नार और उसकी पत्नी उल्ला से मिला। पहले ही दिन गुन्नार के बर्ताव से इंगमार बेहतर महसूस करने लगा, और उस घर में रहते हुए उसकी मुलाकात आर्विडसन नाम के एक बूढ़े आदमी से हुई। फ्रांसन नाम का एक पड़ोसी हर वक्त अपनी छत की मरम्मत किया करता था, और मरम्मत की आवाज़ आर्विडसन को परेशान करती थी, इसलिए अपना ध्यान भटकाने के लिए वो इंगमार को एक किताब पढ़ने के लिए कहने लगा। धीरे धीरे इंगमार और गुन्नार की दोस्ती बढ़ती गई, और गुन्नार उसे फुटबॉल सिखाने लगा। इस बीच उसकी मैनी नाम के एक हरे बालों वाले लड़के से दोस्ती हुई, जिसने उसे सागा नाम की एक लड़की के बारे में बताया जो लड़कों की तरह रहती है पर उसके लड़की होने का राज कोई नहीं जानता। उस दिन इंगमार ने पहली बार फ्रांसन को देखा और गुन्नार को बताया कि आर्विडसन चाहता है वो फ्रांसन को गोली मार दे। इंगमार जल्द ही परिवार का हिस्सा बन गया, और गुन्नार को मजाकिया हरकतें करते देख वो भी वैसी हरकतें करने लगा। एक तरफ आर्विडसन हर रोज इंगमार से अडल्ट किताबें पढ़कर सुनाने के लिए कह रहा था, तो दूसरी तरफ गुन्नार उसे अपनी फैक्ट्री और फैक्ट्री में हो रहा काम दिखा रहा था। और तब इंगमार की मुलाकात बेरेट नाम की उस औरत से हुई जिस पर हर मर्द की नजर रहती है, गुन्नार की भी। कुछ वक्त बाद मैनी इंगमार को अपने दोस्तों से मिलाने ले गया, और उन दोस्तों में से एक सागा भी थी। सागा एक टॉम बॉय है जिसे बॉक्सिंग पसंद है, और दूसरों के कहने पर इंगमार सागा से लड़ने लगा, पर खेल खेल में वो दोनों एक दूसरे को सच में मारने लगे। गुन्नार अपनी जिंदगी के बारे में इंगमार को सब कुछ बताने लगा, और इंगमार की मदद से वो एक छोटा सा घर बनाने लगा। इंगमार और सागा की दोस्ती हो गई, और जल्द ही सागा उसे पसंद करने लगी। वो उसे अपने घर ले गई जहां उसने बताया कि फुटबॉल टीम में आने के लिए उसने अपने लड़की होने का सच छुपाया, पर वो ज्यादा दिनों तक ये सच छुपा नहीं पाएगी। ये सुनकर इंगमार उसका ये राज छुपाए रखने के लिए उसकी मदद करने लगा, और उन दोनों की दोस्ती और गहरी होने लगी। इंगमार गांव के लोगों के बीच घुलने मिलने में कामयाब हुआ, और उनके साथ वक्त बिताने के अलावा वो फैक्ट्री में भी काम करने लगा। फैक्ट्री में इंगमार बेरीत के साथ वक्त बिताता था, और गुन्नार के पूछने पर उसने बताया कि वो बेरीत से प्यार की बातें करता है। गांव के अजीबोगरीब और मजेदार लोगों के बारे में इंगमार अपनी माँ को सब कुछ बताना चाहता था, पर ना तो उसकी अपनी माँ से ठीक से बात हो पाई और ना ही उसे सिकान के बारे में कुछ पता चला। एक दिन बेरीत ने इंगमार से कहा कि वो उसकी मदद चाहती है, और शिफ्ट खत्म होने के बाद वो उसे अपने साथ एक आर्टिस्ट के घर ले गई।
वो आर्टिस्ट बेरीत को मॉडल बनाकर एक मूर्ति बनाना चाहता था और उसका अजीब सा आइडिया सुनकर पहले तो बेरीत घबराई पर फिर वो मान गई। इंगमार उसे मॉडल बनते देखना चाहता था पर वो कुछ भी नहीं देख पाया। ये सारी बातें उसने गुन्नार को बताई और गुन्नार समझ गया कि वो आर्टिस्ट सिर्फ बेरीत के भोलेपन का फायदा उठा रहा है। बेरीत अब इंगमार की सबसे करीबी दोस्त बन गई थी और जब भी वो उस आर्टिस्ट के घर जाती थी तब उसे अपने साथ ले जाती थी। एक दिन इंगमार बेरीत को देखने की कोशिश करने लगा और इसी कोशिश में गिरने की वजह से उसे चोट लग गई। मगर इंगमार से नाराज होने की जगह बेरीत उसकी शैतानी पर हंसने लगी और कुछ दिनों बाद इंगमार ने सागा को बताया कि वो वापस अपने घर जा रहा है। सागा ये बात जानकर निराश हो गई पर वो कुछ कह नहीं पाई क्योंकि बॉक्सिंग के अलावा उसे कुछ आता नहीं था। इंगमार अपनी माँ और भाई के पास लौट आया पर उसे घर में सिकान नजर नहीं आया। अपनी माँ को हंसते देखने के लिए इंगमार उन्हें सारी बातें बताने लगा पर बीमार होने की वजह से वो उसकी बातें सुन नहीं पाई और आराम करने लगी। निराश होकर वो लीला के पास चला गया पर उसे शांति नहीं मिली। वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था पर वो फिर से ये सोचने लगा कि उसकी जिंदगी दूसरों की जिंदगी से बेहतर है। इंगमार की माँ की तबीयत बद से बदतर होती जा रही थी और वो इस दुख से अपना ध्यान भटकाने लगा। उस वक्त अपने दुख से दूर भागकर वो छुपने लगा। एरिक ऐसा नहीं कर पाया और दूसरों पर अपना गुस्सा निकालने लगा। दोनों भाई अब सैंडबर्ग के घर रहने चले गए पर इंगमार की हरकतें उन्हें भी परेशान करने लगी और सैंडबर्ग की पत्नी ये सोचने लगी कि इंगमार दिमागी तौर से बीमार है। अगले दिन सैंडबर्ग उसे उसकी माँ से मिलाने ले गया और इंगमार समझ नहीं पा रहा था कि वो अपना दुख कैसे बयां करे। अपनी बीमार माँ के सामने वो रोने लगा पर पहली बार वो उनके सामने कुछ कह नहीं पाया। वो क्रिसमस के लिए अपनी माँ को एक तोहफा देना चाहता था और इसी बारे में सोचकर वो मुस्कुराने लगा। वो एरिक से कहने लगा कि वो उनके लिए एक टोस्टर खरीदना चाहता है ताकि वो उन्हें अच्छा खाना दे सके पर एरिक ने उस वक्त कह दिया कि उनकी माँ मरने वाली है और ये सुनकर इंगमार अपना आपा खो बैठा। अगले दिन वो लीला के साथ टोस्टर खरीदने गया पर जैसे ही वो टोस्टर लेकर घर आया तो उसे पता चला कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। इंगमार को अब हमेशा के लिए गुन्नार के पास रहने भेजा जा रहा था और अब वो उस आदमी के बारे में सोच रहा था जिसके सीने में जैवलिन घुस गया था। उस आदमी की बुरी किस्मत के बारे में सोचकर इंगमार ये सोचने लगा कि उसकी जिंदगी उससे बेहतर है और शायद इससे बुरी हो सकती थी। घर के रास्ते में गुन्नार उससे फुटबॉल की बातें करने लगा। गुन्नार ने बताया कि बेरीत का आर्टिस्ट अब पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है और घर आने पर उसे ये पता चला कि आर्विटसन के कमरे में उसकी जगह ग्रीस से आया एक परिवार किराए पर रहने लगा। गुन्नार ने बताया कि आर्विटसन ने खाना बंद कर दिया था इसलिए उसकी मौत हो गई और उसकी मौत के बाद उसकी पत्नी अपने घर चली गई। वो दोनों वही गाना सुनने लगे जिस गाने से उल्ला नफरत करती हैं और हर बार की तरह गुन्नार ने उल्ला की नहीं सुनी। उस रात खाना खाते हुए गुन्नार ने कहा कि नए किरायेदार के परिवार की वजह से घर में जगह कम पड़ रही है और इसलिए इंगमार को आर्विटसन की पत्नी के साथ रहना पड़ेगा। ये सुनते ही वो घर से भाग गया और फैक्ट्री के पास जाकर छुप गया। उसे देखकर बेरीत उसे फैक्ट्री में ले गई और कुछ वक्त बाद गुन्नार भी वहां आ पहुंचा। इंगमार सिकान को वापस अपने पास लाना चाहता था और उसे लाने का वादा करके गुन्नार इंगमार को शांत करने में कामयाब हुआ और फिर वो उसे आर्विटसन के घर ले गया। इंगमार के आने से मिसेस आर्विटसन का अकेलापन दूर हुआ पर वो दोनों ही अपनी जिंदगी से खुश नहीं थे। कुछ दिनों बाद सागा इंगमार से तब मिलने आई जब गुन्नार अपने घर में अपना पहला टीवी लेकर आया। उस वक्त इंगमार सिकान की बातें करने लगा पर गुन्नार से पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया। सागा और इंगमार की दोस्ती उनकी उम्र के साथ बढ़ती जा रही थी और वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे पर सागा अपने दिल की बात ठीक से बता नहीं पाई और इसलिए उसकी इंगमार से लड़ाई हो गई। इस बीच इंगमार की कैरन नाम की लड़की से दोस्ती हो गई और ये बात सागा बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब कैरन और सागा के बीच इंगमार को पाने की जंग शुरू हो गई और अचानक इन दोनों के जंग के बीच इंगमार भौंकने लगा। उसकी अजीब सी कुत्तों जैसी हरकतें देखकर सागा ने उसे बॉक्सिंग करने के लिए बुलाया और इंगमार मैच के दौरान भी उस पर भौंकने लगा। उसे ऐसी हरकतें करते देख गुस्से में सागा ने कह दिया कि इंगमार का कुत्ता मर चुका है और परेशान होकर इंगमार वहां से भाग निकला। वो गुन्नार के बनाए छोटे से घर में जाकर छिप गया और जब गुन्नार वहां आया तो इंगमार उसे देखकर भी भौंकने लगा। इंगमार दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं था और तब गुन्नार समझ गया कि इंगमार को पता चल गया है सिकान को यूथनाइज कर लिया गया है। घंटों तक उसी जगह बैठे इंगमार अपनी माँ और सिकान के बारे में सोचता रहा और पूरी रात वो उस जगह से बाहर नहीं निकला। अगली सुबह गुन्नार ने उसे रोते हुए देखा और तब उसे समझ आया कि इंगमार को अपने इमोशंस बयां करने नहीं आते। पहली बार इंगमार ने अपने दिल की बात कही और रोते रोते उसने कहा कि वो अपनी माँ की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है।
किसी तरह गुन्नार उसे संभालने लगा और ठीक उस वक्त गांव में ये बात फैल गई कि फ्रांसन पहली बार छत से नीचे उतरा है। गुन्नार इंगमार को लेकर उस जगह गया जहां पूरा गांव फ्रांसन को देखने आया था। वो सारे लोग फ्रांसन को तैरने से रोकने लगे और किसी तरह जबरदस्ती उसे फैक्ट्री ले जाने में कामयाब हुए। इंगमार ने उस दिन सीखा कि अपने दुख से दूर भागने से कुछ नहीं होता और तकलीफों को अपना कर ही जिंदगी में वो आगे बढ़ पाया। अंत में इंगमार और सागा दोनों ही बदल गए और उसी गांव में पहले से बेहतर जिंदगी जीने लगे। एक दिन वो रिकॉर्ड जिससे उल्ला नफरत करती थी गलती से गुन्नार ने ही तोड़ दी, पर इस बात पर ध्यान ना देकर वो रेडियो पर उस बॉक्सिंग मैच के बारे में सुनने लगा जिसके बारे में पूरा गांव सुन रहा था। पूरा गांव अपने पसंदीदा बॉक्सर के जीत की खुशी मना रहा था, पर इस सबसे अनजान इंगमार उस वक्त सागा के साथ वक्त बिता रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।